हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से मतलब बात करूंगा नया जो जियो फोन है जियो भारत V1 और इसके जो मॉडल है, पहले जो 320 भी था जो पहले का मोबाइल एक साल के लिए फ्री आता था, सेम टू सेम वही के जैसा है। लेकिन इसमें जो फीचर्स जो है आप लोगों को इसमें जो है यूट्यूब देखने को नहीं मिलता है, व्हाट्सएप भी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर आप लोग फेसबुक देखने को मिलता है और उसे किस तरीके से चला सकते हो, बाद में जो है इसे अपडेट आकर इसमें यूट्यूब भी आ सकता है कि नहीं आ सकता है और इसका प्राइस कितना है, ठीक है, और इसमें आप लोग क्या क्या चीज़ कर पाओगे क्या क्या चीज़ नहीं कर पाओगे, सब कुछ डिटेल से मैं आप लोगों को बताऊंगा। बहुत सारे लोगों के मन में जो है बहुत सारा सवालों का क्वेश्चन है, सबका आंसर मैं इस वीडियो में आप सभी लोगों से देने वाला हूँ। तो वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप लोग देख सकते हो इसका जो फीचर्स है पीछे दिया गया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो HD वॉइस कॉलिंग है, 4G इंटरनेट ब्राउजिंग है, आप लोग जो है यहाँ पर देख सकते हो 6.1 सेंटीमीटर का QVGA TFT स्क्रीन दिया गया है और साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है 0.3 MP का कैमरा, लेकिन इसमें आप लोगों को प्रॉन में कैमरा देखने को नहीं मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को ब्लूटूथ का सपोर्ट मिलता है और वाइब्रेट सपोर्ट मिलता है। साथ ही साथ आप लोग यहाँ पर जो है 128 GB तक जो है मेमोरी कार्ड लगा सकते हो और पावरफुल टॉर्च है, लाउड स्पीकर है और 2000 mAh का बैटरी है, FM रेडियो है जो कि आप लोग FM रेडियो सुन सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है जियो चैट, जियो फोटो मेमोरीज और यहाँ पर जियो TV देखने को मिलता है गाइस। यहाँ पर आप लोग जो है जियो TV में आप लोग सीरियल वगैरह हो, मूवीज़ वगैरह हो, देख सकते हो और साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को जियो पे भी देखने को मिलता है जो कि आप लोग अभी के टाइम के लिए UPI से आप लोग पैसा ट्रांसफ़र करते हो। ये जो जियो पे है ये UPI के थ्रू होता है और जियो सावन देखने को मिलता है और जियो सिनेमा। तो चलिए जल्दी से जल्दी इसका जो फटाफट से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अनबॉक्सिंग करने से पहले गाइस मैं इसका प्राइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसका जो प्राइस है 1299 है और ठीक है, जो कि जियो भारत V1 के से जो है 300 रुपीस ज़्यादा देकर आप लोग जो है इस मोबाइल को खरीद सकते हो, ठीक है। जिन लोगों को वो फ़ोन अच्छा नहीं लगा है उन लोगों के लिए ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें जो आप लोगों को डिस्प्ले भी ज़्यादा बड़ा देखने को मिलता है। तो चलिए जल्दी से जल्दी इसको अनबॉक्सिंग करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस आप लोग देख सकते हो कुछ इस टाइप का आता है बॉक्स के अंदर। तो इसमें आप लोगों को एक चार्जर देखने को मिलता है और क्विक गार्ड, तो चार्जर भी जो है आप लोगों को 5 वोल्ट का यहाँ पर देख सकते हो चार्जर यहाँ पर। तो इसे साइड में रखते हैं और अंदर में आप लोगों को यह मोबाइल देखने को मिलता है, आप लोग देख सकते हो मोबाइल को और पीछे इसका बैटरी दिया गया है। बाकी आप लोग फ़ोन का लुक देख सकते हो, पहला जो 320B था सेम टू सेम वैसा ही है और पीछे आप लोगों को कुछ अलग सा देखने को मिलता है, आप लोग देख सकते हो इस बार। और यहाँ पर जियो का लोगो दिया गया है और नीचे आप लोग यहाँ से चार्जिंग का पोर्ट और यहाँ पर 3.5 mm का जैक दिया गया है जो कि आप लोग जो है गाना वगैरह सुन सकते हो। और ऊपर दिया गया है टॉर्च और इसका डिस्प्ले आप लोग देख सकते हो कितना बड़ा है और सामने लिखा हुआ है जियो भारत और इसका जो की बटन्स है ये भी बहुत ही सॉफ्ट है, सेम टू सेम 320B जैसा। तो जल्दी से जल्दी मैं इसको बैटरी को लगा देता हूँ इस मोबाइल में। तो गाइस आप लोग देख सकते हो ओपन होते ही जो इसमें जो है जियो भारत का लोगो आता है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितना बड़ा डिस्प्ले है और आप लोग देख सकते हो इसका फ्रंट साइड और इसका लाइटिंग भी देख सकते हो। तो अंदर में चलते हैं, अंदर में आप लोग को क्या क्या देखने को मिलता है, कॉल लॉक, कॉन्टैक्ट, मैसेज यहाँ पर देखने को मिलता है, मल्टीमीडिया में आप लोगों को देखने को मिलता है वॉइस रिकॉर्डिंग अगर वॉइस रिकॉर्डिंग करना चाहते हो, म्यूजिक प्लेयर है, वीडियोस है, रेडियो है, फोटोस है, आप लोग यहाँ पर ब्लूटूथ लगाकर जो है कोई भी गाना जो सुन सकते हो। यहाँ पर टूल्स दिया गया है जैसे कि कैलेंडर, कैलकुलेटर, टॉर्च और यहाँ पर आप लोगों को नोट्स दिया गया है, फाइल्स दिया गया है, यहाँ पर अगर आप लोगों को फाइल्स कुछ रखना चाहते हो तो यहाँ पर सेटिंग, यहाँ पर आप लोगों को कैमरा देखने को मिलता है तो आप लोग देख सकते हो कैमरा। तो इसे बैक करते हैं और यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है इंटरनेट
जो कि अभी सिम कार्ड नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ से आप लोग फेसबुक कर सकते हो। यहाँ पर दिया गया है क्लॉक, जैसे कि आप लोग अलार्म, स्टॉप वॉच, टाइमर, वॉल क्लॉक देख सकते हो। और यहाँ पर दिया गया है आप लोग को जियो सावन, जियो सिनेमा और जियो पे। और कुछ दिन अपडेट, ये जो है सिम कार्ड लगाने के बाद ये जो है ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। अपडेट होने के बाद यहाँ पर आप लोग को जो है जियो टीवी देखने को मिलता है। बाकी जो है यहाँ पर आप लोग जो है कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो, और यहाँ पर आप लोग को कॉन्टेक्ट वगैरह ऊपर देखने को मिलता है, ठीक है। तो गाइस इस बार जो है आप लोगों को बैक बटन रेड बटन से नहीं, ऊपर वाला बटन है जो यहाँ पर, इस वाले बटन से जो है आप लोगों को बैक होगा। और आप लोग सेटिंग में देख सकते हो, यहाँ से आप लोग फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस इस बार अगर आप लोगों का, अगर मान लीजिए कोई भी फोन में सेटिंग्स में जाकर जो है सिक्योरिटी सेटिंग्स रखते हो, पासवर्ड वगैरह रखते हो, और आप लोग उसे भूल जाते हो, तो पहले मोबाइल की तरह अगर आप लोग जो है मोबाइल से रीसेट करना चाहते हो तो नहीं कर पाओगे। आप लोग जो है इसे स्टोर में ले जाकर जो है सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, तभी जाकर जो है ये जो है आप लोगों को अनलॉक होगा, ठीक है। पहला वाला मोबाइल से जो है काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। बाकी आप लोगों को ये फ़ोन कैसा लगा, ठीक है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप लोगों को मन में कुछ भी क्वेश्चन हो, सवाल हो, नीचे मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसका जो है आंसर दे दूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है लाइक कर देना, और अगर चैनल में नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।